हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुमंत स्टूडियो में। आज की ये वीडियो 12th क्लास की केमिस्ट्री की वीडियो है। लेसन 5 आपका चल रहा था, उसकी ये 8वीं वीडियो है। इस वीडियो में ये दिखाई दे रहे हैं काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, क्रिस्टलाब, कोलाइडी, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, निलंबन विलयन, प्रक्षेप प्रावस्था, प्रक्षेपण माध्यम, ये सारे टॉपिक क्लियर होंगे। और साथ में यानी बहुत सारी नई बातें मिलेंगी, क्योंकि हमारे तो हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, तो वही आज भी, और आज इसमें बहुत सारी बातें नहीं मिलने वाली हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, बिल्कुल भी इसके मत करना, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। आगे देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा ये जो कहानी है यहाँ से स्टार्ट होती है 1861 से। 1861 में एक वैज्ञानिक थे थॉमस ग्राहम। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे पदार्थों को अध्ययन किया, और अध्ययन भी किस आधार पर किया, उस उनके विसरण के आधार पर। विसरण समझ रहे होंगे, यानी मोटा मोटी आपको बता दूं, जैसे कि आपने चाय बनाई, तो चाय बनाई होगी तो उसमें चाय की पत्ती भी डाली होगी। चाय की पत्ती डाली है तो ऐसा तो नहीं कि उसको डायरेक्ट पी लोगे, आप ऐसे नहीं पी सकते। उसको क्या करोगे, चाय और चाय की पत्ती को अलग करोगे। अलग करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हो, चाय छलनी, चलनी का। तो जो चलनी है वही को बोलेंगे आप झिल्ली। झिल्ली का मतलब क्या होता है, झिल्ली का मतलब ये होता है कि एक ऐसी बारीक परत या एक ऐसी महीन परत जो दो पदार्थों को सेपरेट करती हो, अलग अलग करती हो, या दो पदार्थ उससे प्रवाहित हो सके, गमन कर सकें, ठीक है। सिंपल है, जैसे हमारी खाल भी क्या है, हमारी ये बॉडी की जो स्किन है ये भी एक प्रकार की क्या है, झिल्ली है, ठीक है। झिल्ली क्यों है, क्योंकि जब हम इस पर हम तेल की मालिश करते हैं तो क्या होता है, तेल अंदर प्रवेश कर जाता है। कभी बोलते हैं कि हड्डियों में या कैल्शियम कम है तो ये तेल की मालिश करो, या अंदर दर्द है, मुंह वगैरह यानी हड्डियों में दर्द है या उसमें, तो मुंह वगैरह ऊपर लगाते हैं, वो अंदर तक प्रवेश कर जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, वही हमारी स्किन भी क्या है, एक प्रकार की झिल्ली है, क्योंकि ये बारीक महीन कणों को, पसीना सबसे बड़ा एग्जाम्पल, आपका पसीना निकलता है, पसीना कहाँ से, शरीर के अंदर से ही तो आता है, हैं? तो ये एक प्रकार की क्या है, झिल्ली, क्योंकि जिससे कुछ कण क्या हो गए, विसरित हो रहे हैं। तो वो समझ में आ गया नहीं, पानी बाहर निकलना, शरीर का पसीना बाहर निकलना, ये क्या है, विसरित हो रहे हैं, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे पदार्थों के विलयनों का विसरण के आधार पर अध्ययन किया किसने, ग्राहम ने। तो उन्होंने देखा कि कुछ पदार्थों के विलयन तो यानी कि, और इन्होंने किसके आधार, किस चीज पर अध्ययन किया था, जंतु की झिल्ली पर। किस पर, जंतु की झिल्ली, जंतुओं की झिल्ली का मतलब समझ रहे हो, जंतुओं की स्किन की जो झिल्ली है उस पर, ठीक है। तो उसके द्वारा इन्होंने अध्ययन किया, और अध्ययन में इन्होंने देखा कि कुछ पदार्थ तो इस झिल्ली से विसरित हो रहे हैं, यानी कि समझ रहे हो, और कुछ पदार्थ विसरित नहीं हो रहे हैं। अब उन्होंने कैसे देखा, पदार्थ का मतलब कुछ पदार्थों का विलयन, विलयन यानी कुछ विलयन तो विसरित हो रहे हैं और कुछ विसरित नहीं हो रहे हैं, समझ में आई। तो जो विसरित हो रहे थे, जैसे कि आपका विसरित होने वाले में था कि आपका शर्करा का विलयन, शर्करा का मतलब क्या है, आप समझ लीजिए शर्करा का विलयन, जैसे आपका NaCl का विलयन, ठीक है, इस तरीके सोडियम क्लोराइड का विलयन, तो ये क्या होते थे, ये जो विलयन है आपके विसरित हो रहे थे। लेकिन कुछ विलयन ऐसे थे जो विसरित नहीं हो रहे थे, जैसे कि आपका ऐसे समझिए गोंद का विलयन, गोंद है, जिलेटिन का विलयन, जिलेटिन का विलयन, समझाए। गोंद क्या होता है, गोंद चिपचिपा होता है, आपने देखा है, तो वो क्या है कि जैसे कि आप छोटी चलनी चाहिए कि ये कपड़ा ले लूँ, कपड़ा से भी गोंद क्या होगा, प्रवाहित नहीं होगा। शहद तो निकल जाएगा धीरे धीरे करके, लेकिन जो गोंद है वो नहीं निकल पाएगा। तो उन्होंने देखा कि कुछ पदार्थ विसरित हो रहे हैं, कुछ पदार्थ विसरित नहीं होते हैं, कुछ पदार्थों के विलयन विसरित हो रहे हैं और कुछ पदार्थों के विलयन विसरित नहीं हो रहे हैं। इसीलिए उन्होंने दो कैटेगरी बनाई, जिनका नाम दिया, एक का नाम क्रिस्टलाब और एक का नाम कोलाइड। तो इन पदार्थों को उनके विसरण के आधार पर उन्होंने दो भागों में बांटा था, कौन ने, ग्राहम ने, क्रिस्टलाब और कोलाइड विलयन। तो क्रिस्टलाब कौन से थे, क्रिस्टलाब वे पदार्थ थे जिनका विलयन जंतुओं की झिल्ली से विसरित हो जाता है, यानी बहुत ही आसानी से विसरित हो जाता है। तो समझ में आ गई, यानी कि क्रिस्टलाब वे पदार्थ होते हैं जिनका विलयन जंतु झिल्ली से आसानी से विसरित हो जाता है, क्लियर है, आसानी से उस झिल्ली में क्या हो जाता है, गमन कर लेता है, क्लियर है। झिल्ली इधर लगी हुई है, जैसे एक पाइप है और पाइप में एक जंतु झिल्ली लगा दी, तो यहां से आपका विलयन क्या हो रहा है, यहां से प्रभावित आसानी से हो रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, क्रिस्टलाब कहलाएंगे। लेकिन कोलाइडी विलयन कौन से थे, कोलाइडी विलयन वे विलयन थे जिनका, कोलाइडी वे पदार्थ थे जिनका विलयन जंतु झिल्ली से
प्रवाहित नहीं होता है, जंतु झिल्ली में गमन नहीं करता है। क्लियर है बात? तो दोनों का समझ में आ गया। जो जंतु झिल्ली से विसरित हो जाते, विसरित कह दीजिए, वे पदार्थ जिनका विलयन जंतु झिल्ली से गमन नहीं कर पाता अर्थात जंतु झिल्ली से विसरित नहीं हो पाता, उनको क्या बोला गया? कोलाइड विलयन। क्लियर है? लेकिन बाद में थॉमस ग्राम का ये जो वर्गीकरण है ज्यादा समय तक नहीं चला था। क्यों नहीं चला था ज्यादा समय तक? क्योंकि ये जो है इस वर्गीकरण का खंडन हो गया था, ये बात ज्यादा समय तक मान्य नहीं रही थी। क्यों नहीं रही थी? क्योंकि आगे चल के कुछ पदार्थ ऐसे भी मिले जो इनकी परिभाषा के अनुसार इन्होंने जो बांटे थे, यानी कि इनको तो इन्होंने बोला था जो विसरित हो रहे हैं उनको तो इन्होंने बोला था क्रस्ट लाभ, और जो विसरित नहीं हो रहे थे उनको बोला था कोलाइड। ठीक है? लेकिन बाद में ये देखा गया कि कुछ पदार्थ जो साधारण रूप से, कैसे, साधारण अवस्था में कैसे मिलते थे? साधारण अवस्था में तो वो क्रस्ट लाभ थे, लेकिन कुछ उचित परिस्थितियों में, कुछ स्पेशल कंडीशंस में वो क्या करते थे, यानी कि उचित अवस्था में, उचित परिस्थितियों में वो किसका व्यवहार करने लगते थे? कोलाइड कणों का व्यवहार करने लगते थे। अर्थात थे तो वो क्रस्ट लाभ, लेकिन व्यवहार कैसा? कोलाइड की, मतलब उनकी परिभाषा के अनुसार, कहने का मतलब यह है कि कुछ समय पर तो वो कैसे थे? विसरित हो रहे थे, लेकिन कुछ अवस्थाओं में वो विसरित नहीं होते थे, मतलब जंतु झिल्ली से विसरित नहीं होते थे, मतलब उनकी दोनों की परिभाषाओं को वो फॉलो नहीं कर रहे थे, या दोनों परिभाषाओं को फॉलो कर रहे थे। तो इसीलिए इस परिभाषा का क्या हो गया? खंडन हो गया, इस वर्गीकरण का खंडन हो गया। तो फिर उन्होंने, फिर ज़्यादा स्टडी हुई बाद में, फिर देखा गया कि यानी कि जो कोलाइड और क्रस्ट लाभ जो होते हैं, इनमें जो कण होते हैं उनकी कुछ प्रकृति होती है, उनका कुछ आकार होता है। यदि वो ज़्यादा पतला आकार है तो ये जंतु की झिल्ली से प्रवाहित हो जाते हैं, जंतु की झिल्ली से गमन कर लेते हैं। लेकिन उन कणों का आकार यदि मोटा है, यानी बड़ा है, यानी उन कणों का आकार कैसा है? थोड़ा बड़ा है, तो वो जंतु झिल्ली से प्रवाहित नहीं होते हैं। इसीलिए कणों किसी भी विलयन में उनके विलय के कणों के आधार पर उनको तीन भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? तीन भागों में। तो वो थे वास्तविक विलयन, कोलाइड विलयन और निलंबन विलयन। क्लियर होगी बात? कोलाइड तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। कोलाइड क्या है? वे अवस्था होती है जिसमें किसी पदार्थ के कण क्या होते थे? जंतु झिल्ली से प्रवाहित हो जाते थे। ये ग्राम के अनुसार था। अब बात करते हैं कि जब उनके कणों के आकार के आधार पर बात आई, तो कणों के आकार पर तीन भागों में बांटा गया। तब उन तीन भागों को पढ़ते हैं कि वो तीन भाग कौन कौन से थे। कौन कौन से थे? वास्तविक विलयन, कोलाइड विलयन और आपका निलंबन विलयन। तो देखिएगा, इनमें अंतर भी पढ़ेंगे, ध्यान से समझ लेना, इनमें सभी में अंतर। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छी। ठीक है? ये देखिएगा, अब हम पढ़ने वाले हैं इनमें अंतरों के। पहले पढ़ेंगे इनकी परिभाषा। देखिएगा, कुछ विलयन इस तरीके से हैं, तीन में बना दे रहा हूँ, ऐसा समझिएगा। इनमें देखो एक चीज दिखाई दे रही है ऐसे, और कैसी दिखाई दे रही है, थोड़ा सा अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कण बहुत, यानी ये सबसे मोटे कण हैं, ये इनसे पतले हैं और ये इनसे पतले। तो उसी आधार पर, यानी कि किसी भी विलयन में उनके कणों के आकार के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया था तीन भागों में, वास्तविक विलयन, कोलाइड विलयन और निलंबन विलयन। तो कोलाइड पहले पढ़ते हैं, वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन वे विलयन होते हैं जिनमें उनके अणुओं का आकार, या जिनमें वास्तविक विलयन में विलय का आकार या विलय अणुओं का आकार कैसा होता है? एक नैनोमीटर, एक नैनोमीटर। एक नैनोमीटर का मतलब क्या है? 10^-9 मीटर से छोटा होता है या इससे कम होता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? यानी कि वे विलयन जिनमें अणुओं का आकार एक नैनोमीटर से क्या होता है? कम होता है, बहुत छोटा। एक नैनोमीटर का मतलब समझ रहे हो? एक नैनोमीटर का मतलब क्या है? एक नैनोमीटर बराबर इतने 10^-9 मीटर, और 10^-9 का मतलब 10^9, और मतलब 9 का मतलब क्या है? 1, 2, 3, 4 ऐसी आगे 9 आएंगे। समझ में आ गई? 9 तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख,
करोड़ 10 करोड़, तो 1 मीटर का 10 करोड़वां भाग, इतना पतला, समझ रहे हो? तो उसको हम बोलेंगे क्या, वास्तविक विलयन। तो ये क्या थे, वास्तविक विलयन। फिर आ जाते हैं कोलाइड विलयन। कौन सा था कोलाइड विलयन? वे विलयन थे जिनमें अणुओं का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक था। उनका आकार कैसा था, 1 नैनोमीटर से अधिक और 1000 नैनोमीटर से कम, तो इनके बीच में था। और हम उसके बाद की बात करते हैं, तो ये कोलाइड हो गए थे, उन्होंने बाद में कोलाइड विलयन। और फिर निलंबन विलयन कौन सा था, निलंबन विलयन वे विलयन थे या निलंबन वे विलयन थे या निलंबन वे पदार्थ जिनका विलयन 1 मीटर से, यानी कि निलंबन का निलंबन विलयन कौन सा था, ये वह विलयन था जिसमें अणुओं का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक था, 1000 नैनोमीटर से अधिक। समझ में आ गई बात? तो ये थे तीनों की परिभाषा, क्लियर होगी, अंतर अभी करेंगे हम। फिलहाल एक बार और मैं आपको बता दूं, वास्तविक विलयन कौन सा, जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम, कोलाइड विलयन जिनका आकार 1 नैनोमीटर से, जिनका अणुओं का आकार 1 नैनोमीटर से अधिक और 1000 नैनोमीटर से कम, और जिनका 1000 नैनोमीटर से अधिक वो आपके क्या, निलंबन। यहां पर लिख दे रहा हूं कैसे कैसे विलयन हो जाएंगे, ये निलंबन। ठीक है, क्लियर है बात, ये समझ में आ गया, बस यहां तक आप कर लीजिए। अब आगे के हम इसके अंतर पढ़ेंगे। अंतर आ जाते हैं वास्तविक विलयन, कोलाइड विलयन और निलंबन विलयन में अंतर। बहुत बेहतरीन वाले अंतर हैं, मस्त वाले, जो एक ही बार में याद हो जाएंगे, जिंदगी में कभी आपको भूलोगे ही नहीं। देखिएगा, सबसे पहले जैसा कि हमने बताया था, वास्तविक विलयन कौन से होते हैं, जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। समझ में आ गए, 1 नैनोमीटर का मतलब समझ रहे हो ना आप, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया, 1 नैनोमीटर का मतलब क्या, 10^-9 मीटर से कैसा होगा, कम होगा। समझ में आ गई बात, तो क्लियर है, जिनका आकार 1 नैनोमीटर, आकार आकार के आधार पर देखो, ये पॉइंट बना दिए मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोई भी 5 पॉइंट याद कर लेने, ठीक है। आकार के आधार पर इनमें अंतर क्या है, यानी इनके गुण, गुणों की व्याख्या, अंतर छोड़ो, सीधे सीधे इनके गुण हो जाएंगे, वास्तविक विलयन इनके गुण, इनका और इनका, अंतर कहो अंतर कह दीजिए, ठीक है। इनका आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, कोलाइड विलयनों का आकार 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के कैसा होगा, बीच में होगा, 1 नैनोमीटर या 1000 नैनोमीटर के बीच में रहेगा। और निलंबन विलयन कौन से हैं, जिनका आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। क्लियर होगी बात, तो जो वे विलयन जिनका आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है, निलंबन विलयन, इस तरीके से, क्लियर है। अब हम इसकी बात करते हैं प्रकृति के आधार पर, इनकी प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक विलयन की जो प्रकृति होती है वो समांग होती है, ठीक है। समांग का मतलब समझ रहे हो, समांग का मतलब होता है एक चीज में दूसरी चीज पूर्ण रूप से घुल जाए। जैसे आपका पानी है, पानी में आप चीनी लो, चीनी को घोल दो, थोड़ी देर बाद क्या देखोगे, क्या चीनी अलग दिखाई देगी, नहीं, तो वो समांग होगा। लेकिन पानी में हमने क्या करा, कंकड़ पत्थर मिला दिए, तो वो दिखाई देंगे अलग अलग, तो मतलब वो विषमांग, ठीक है। इसी तरीके से ये नॉर्मल जनरल एग्जाम्पल लेके बताया आपको, प्रकृति कैसी, ये समांग होती है इनकी, कोलाइड विलयनों की विषमांग होती है, निलंबन की विषमांग होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये क्लियर हो गया। और कणों की दृश्यता, यानी देखने के आधार पर दिखाई देते हैं, तो वास्तविक विलयन कैसे होते हैं, अदृश्य होते हैं, ये दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। बात करते हैं कोलाइड विलयन की, तो कोलाइड विलयनों में जो कण होते हैं वो कैसे होंगे, यानी कोलाइड कण बोले तो उनके जो कण, जैसे कि मान लीजिए आप पानी है, पानी को आप क्या करो, देखना चाहो सूक्ष्मदर्शी से, कितना देखोगे उसमें अंदर के मॉलिक्यूल्स दिखाई देंगे, लेकिन उसके कण नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। तो उसमें पता चल जाएगा इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसके कणों की बात करें वो नहीं दिखाई देंगे। तो वो इसी तरीके से ये क्या है, आपका अदृश्य रहेगा। लेकिन हम किसी चीज़ को, यानी कि आपका चीनी है, चीनी को पानी में घोल दें, या आपका नमक घोल दें, या आपका गोंद है, गोंद घोल दें, तो क्या होगा, वो कण दिखाई दे जाएंगे। तो ये कैसे होते हैं, दृश्य होते हैं, ठीक है। तो ये क्या, सूक्ष्मदर्शी आती, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दिखाई दे जाते हैं। और ये कैसे हैं, निलंबन कण कैसे होते हैं, निलंबन विलयन में जो कण होते हैं, निलंबित कण, वो हम आंखों से देख सकते हैं उनको, या उनको हम सूक्ष्मदर्शी से, साधारण सूक्ष्मदर्शी से भी हम देख सकते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब हम बात करते हैं आगे प्रकटता, ये प्रकटता कैसी करते हैं, यानी कि ये पारदर्शिता प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक विलयन कैसे होते हैं, पारदर्शी होते हैं, सीधी सीधी बात, उनको आर पार देखा जा सकता है। ये कैसी होते हैं, कोलाइड विलयन पारदर्शी
होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, पारभासकता भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोई देखा ना आपने कभी फोटो देखा, मैं नॉर्मल समझा रहा हूँ कि जैसे आपने कभी फोटो देखा, फोटो कैसा हो जाए, ब्लर हो जाए, तो क्या वहाँ पर पता तो चलता है कि ये आदमी है, फिर ये नहीं पता चलेगा कौन आदमी है यार, मतलब थोड़ा सा ब्लर हो गया चेहरा, दिखाई नहीं दे रहा, स्पष्ट नहीं दिखाई देना, वो पारभासकता होती है। समझ में आ गई? तो और ये कैसे होते हैं, अपारदर्शी होते हैं। निलंबन विलयन कैसे होते हैं, अपारदर्शी होते हैं। ये तो भैया सीधे सीधे पता है, बहुत बड़े बड़े कण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं छानने के आधार पर। तो ये फिल्टर पेपर से भी छन जाते हैं, यानी फिल्टर पेपर और जंतु झिल्लियाँ। जंतु झिल्ली जैसे हमारी खाल है, कभी तेल लगाते हो, तेल हम ऐसे मालिश करते हैं तो वो अंदर तक हड्डियों तक प्रवेश कर जाता है, तो जंतु झिल्ली से वो क्या होगा, अंदर तक विसरित हो गया, चला गया। ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्या है, फिल्टर पेपर और जंतु झिल्ली दोनों में गमनीय होते हैं। गमनीय का मतलब ये चल सकते हैं उनमें, यानी यहाँ पर ऐसे में तेल करूँ तो अंदर चला जाएगा, यानी गमन करता है। इसमें ये क्या है, कोलाइड विलयन में जो कोलाइड कण होते हैं वो कैसे होते हैं, फिल्टर पेपर से तो गमनीय होते हैं लेकिन जंतु झिल्ली में गमनीय नहीं होते हैं। वास्तविक विलयन के कण कैसे होते हैं, वो दोनों में अगमनीय होते हैं, दोनों में नहीं चल सकते। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे की टिंडल प्रभाव। ये वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव नहीं प्रदर्शित करते हैं, कोलाइड विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं और निलंबन विलयन भी टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। देखिएगा ये आपका प्रदर्शित करते हैं, ये इस तरीके से ये भी टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गई बात? आगे का हम देखते हैं, एक सेकंड। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है विसरण। तो विसरण क्या है, यानी जो जितना ज्यादा पतला होगा वो उतना ही ज्यादा विस्तृत होगा। सीधी सीधी बात है, जैसे कि आप चाय छानते हो, चाय छान रहे हो, या पानी है, पानी को मैं एक, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई कपड़ा है, जैसे शर्ट का कपड़ा है, इससे पानी निकालूं निकल जाएगा, लेकिन क्या मैं पानी में आपका शहद निकालूं, शहद निकल जाएगा? नहीं, शहद के जो अणु हैं वो मोटे होंगे, हैं उसके कण जो मोटे होंगे, किसकी अपेक्षा, पानी की अपेक्षा। तो जितना ज़्यादा पतला होगा, यानी कि इसके कण तो बहुत पतले होते हैं, महीन होते हैं, बारीक होते हैं, तो वो जल्दी तेज़ी से विस्तृत हो जाएगा। तो वास्तविक विलयन बहुत तेज़ी से विस्तृत हो जाते हैं, कोलाइड विलयन कैसे हैं, मंद गति से विस्तृत होते हैं, और ये विस्तृत होते ही नहीं है। समझ में आ गई बात? आई होप कि ये वाले जो आपके अंतर हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो समझ में आ गए हैं, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद। और एक और खास बात, एक और मैं खास बात बता दूं आपको कि ये वाले इसमें जो मैंने नोट्स जो दिए हैंड राइटिंग वाले, उसमें अंतर बहुत कम लिख रहे हैं, इसीलिए इन अंतरों को आप लिख लेना, उसमें नोट्सों में आप लिख लेना अपने में ये वाले अंतर, उसमें दो दो तीन तीन अंतर ही लिखे हुए हैं, तो इन अंतरों को जरूर लिख लेना। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जो नए लोग हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय।